हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। जैसे कि आपने कल देख लिया है कि हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार का साइट सीन हम लोग कल कर चुके हैं। थोड़ा बहुत बाकी है जो वापस आते टाइम हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग हरिद्वार से निकल रहे हैं जानकी चट्टी के लिए। फिर जानकी चट्टी से नेक्स्ट दिन हम लोग ट्रेक स्टार्ट करेंगे यमुनोत्री के लिए। हमारे साथ बने रहो और वीडियो को एंजॉय करो। आगे बहुत कुछ आने वाला है, वीडियो को मिस मत करना और इस सीरीज़ को तो बिल्कुल ही मिस मत करना। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ये है हमारा गाड़ी, हमने टेम्पो ट्रेवलर बुक किया है। पूरे चार धाम यात्रा में ये हमारे साथ रहेगा। हमारा सारा लगेज गाड़ी में लोड हो चुका है और हम लोग अभी होने वाले हैं रवाना यहाँ से। तो हम लोग फाइनली निकल पड़े हैं हरिद्वार से जानकी चट्टी के लिए। हम लोग इस वक्त है स्काई टूर्स एंड ट्रेवल्स के दुकान में। यहाँ से हमें बनाना है एंट्री कार्ड चार धाम यात्रा के लिए। बिना एंट्री कार्ड के हमें परमिशन नहीं मिलता चार धाम यात्रा करने का, इसलिए ये मैंडेटरी है कराना। एंट्री कार्ड बनवाने के लिए हम लोगों को 350 रुपये पेमेंट करना पड़ा था। ये हमारा एंट्री कार्ड बन गया है, अब हम लोग जा सकते हैं चार धाम के लिए। हमारा एंट्री कार्ड बन चुका है, अब हम लोग यहाँ से अपना आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे। रास्ते में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन चेक होता रहेगा बार बार। इस वक्त हम लोग सत्यनारायण टेम्पल देखने के लिए हाईवे के ऊपर रुके हैं। हमारे सोनू भैया मतलब हमारे ड्राइवर साहब, उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा स्टार्ट करने से पहले यहाँ दर्शन करना मैंडेटरी है। मेन गेट से अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड में कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर मिलेगा और उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। तो ये है मेन सत्यनारायण मंदिर। हमने सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी माता का पूजा करते हुए अपना यात्रा स्टार्ट किया। हम सब ने एक ही मनोकामना किया कि हमारा चारधाम यात्रा सेफली कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे सोनू भैया दे रहे हैं टोल टैक्स। हम लोग पूरे एनर्जी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं।
हम लोग यहाँ रुके हैं क्योंकि ये एक व्यू पॉइंट है और साथ में सबको यहाँ चाय पीना है। अभी पहाड़ों का सिलसिला जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी से नजारा इतना खूबसूरत है तो न जाने आगे क्या होने वाला है। यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और साथ में सनलाइट भी है। यहाँ पे हमारे टॉफी जैसा दो डॉगी मिल गया हमें, इसको देख के टॉफी का बहुत ज्यादा याद आने लग गया था। हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं उसके ठीक ऑपोजिट साइड में ही केम्प्टी फॉल्स है। यहाँ से हम लोग फोटो लेने के बाद वहीं पे जाएंगे। हम लोग केम्प्टी फॉल्स पहुंच चुके हैं, लेकिन केम्प्टी फॉल्स देखने के लिए हमें इन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम लोग केम्प्टी फॉल्स देख पाएंगे। आप लोग जरा देख के बताओ, मेरे पापा पूरे पहाड़ियों जैसे लग रहे हैं ना। हम लोग जब पहले यहाँ आए थे तब बस यही सेक्शन था, लेकिन अभी केम्प्टी फॉल्स को तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। ये बस पहला सेक्शन है, आप यहाँ चाहे तो स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग ट्यूब, स्विमिंग कॉस्ट्यूम सब कुछ यहाँ पे रेंट पे मिलता है। अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं केम्प्टी फॉल्स का सेकंड सेक्शन देखने के लिए। पापा मम्मी और मासी पहले ही ऊपर जाके हमारा वेट कर रहे हैं। ये है केम्प्टी फॉल्स का सेकंड सेक्शन। यहाँ पे पानी थोड़ा कम है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा था और ये जो पत्थर है पैर में बहुत ज्यादा चुभ रहे थे, इसलिए मम्मी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए मम्मी और पापा फोटो खिंचाने के लिए पानी में गए। हम लोग का बस चलता ना तो हम सब नहा लेते,
लेकिन हम लोग अपना तबीयत और एनर्जी बचा के चल रहे थे क्योंकि नेक्स्ट दिन हम लोगों को यमुनोत्री ट्रैक करना था। ठंड के डर से मासी बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही थी। बहुत समझाने के बाद वो फोटो खींचने के लिए राजी हुई। अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं केम्प्टी फॉल्स का लास्ट सेक्शन देखने के लिए। ये है हमारा केम्प्टी फॉल्स का लास्ट व्यू पॉइंट। अभी यहाँ पे पानी काफी कम है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शिखा दी और जीजा जी है हमारे ग्रुप के लव बर्ड्स। जहां भी देखो इन दोनों का प्यार नजर आता है। और आर्यन पीछे मछली की तरह तड़प रहा था कि कब उसे मौका मिले और वो पानी में उतर जाए। अब जाके मासी को एक जगह मिला जहाँ बिना पानी में उतरे वो फोटो खिंचा सकती है। अब हम लोग जा रहे हैं फोटो स्पॉट पे। हमें लेना है कुछ फोटोज और वीडियोस। इसके लिए जीजा जी ने और आर्यन ने हमारा बहुत ज्यादा मदद किया है। लगभग 1.5-2 घंटा हम लोग यहाँ पे थे। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमें जाना है लंच करने के लिए। बहुत तेज भूख लगा है, इसलिए हम लोग केम्प्टी फॉल्स को अलविदा कह के रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। रेस्टोरेंट से बाहर का नजारा देखने लायक था। शाम होने वाला है और सूरज ढलते जा रहा है। सबको बहुत तेज भूख लगा था, इसलिए सब लोग टूट पड़े हैं खाने के ऊपर। खाना खत्म करते ही हम लोग निकल जाएंगे और इसके बाद हम लोग कहीं भी हॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहुंचना है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी रात से पहले ही हमें पहुंचना है। अब हमारा गाड़ी बहुत स्पीड चल रहा था ताकि हम लोग जल्द से जल्द जानकी चट्टी पहुंच सके। सोनू भैया ने चाय पीने के लिए एक छोटा सा हॉल्ट लिया था ताकि उनको गाड़ी चलाते वक्त नींद ना आए। अंधेरा होने से पहले हम लोग जानकी चट्टी पहुंचना तो चाह रहे थे, लेकिन हमने केम्प्टी फॉल्स में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, इसलिए आखिर तक अंधेरा हो ही गया। यहाँ पे हम सब का रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। काफी लेट हो चुका है, पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और यहाँ पे 7 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलता है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि कैसे भी हमें जानकी चट्टी पहुंचना है, जिस वजह से हम लोगों को फाइन भी भरना पड़ा था। साथ में रास्ते भी बहुत खराब होने लगे। रास्ता पूरा टूटा हुआ था, जिस वजह से हम लोगों को बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। आखिरकार हम लोग जानकी चट्टी पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट काम था
होटल ढूंढना। होटल तो बहुत सारा अवेलेबल था, लेकिन रूम का कंडीशन अच्छा नहीं था। चार पांच होटल देखने के बाद इस होटल को हमने फाइनलाइज किया है। एक एक रूम का हम लोगों को 600 करके पड़ा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था और आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था। एकदम होटल के बगल में एक छोटा सा दुकान था, उस दुकानदार ने हमारे लिए थोड़ा सा खाना बना दिया था। एक्चुअली 2023 का चार धाम यात्रा बस ख़त्म ही होने वाला था। हम लोग एकदम एंड के टाइम पे आए थे, इसलिए बहुत सारा होटल बंद हो चुका था। जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स थे वो भी बंद हो चुके थे। तो ये है मम्मी पापा और मासी का रूम। और ये है हमारा रूम, शिखा दी का रूम ऊपर है। तो जिस छोटे से दुकान के बारे में मैंने बात किया था, ये वही दुकान है। इतने लेट में और इतने ठंड में इन्होंने हमें इतना सा खाना बना के दिया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ था। रोटी, दाल और पालंग साग के साथ हमने आज का डिनर खत्म किया। कल एकदम सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे यमुनोत्री के लिए। हम लोग पैदल ही चल के जाएंगे। साढ़े आठ बजे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं रात के। बहुत ठंड है, एकदम जम गए, मुंह से बात नहीं निकल रहा है, हाथ पूरा सुन हो गया है। एक होटल मिल गया है, रूम ले लिए हम लोग, अभी यहाँ पे स्टे करेंगे और सुबह यमुनोत्री के लिए निकलेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं फिर कल आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो अभी के लिए बाय बाय।